सुप्रभात, मैं साक्षी स्वागत करती हूं आपका देवभूमि इनसाइडर में। रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। तमिलनाडु विधानसभा में राज्यपाल से विवाद का मामला, चेन्नई में लगे गेट आउट रवि लिखे पोस्टर। समस्तीपुर में टला बड़ा हादसा, नई दिल्ली से दरभंगा आ रही बिहार संपर्क क्रांति में लगी आग। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, बंगाल भाजपा अध्यक्ष और 10 पत्रकारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। तमिलनाडु में YouTube पर वीडियो देख 6 नाबालिगों ने देसी बम बनाकर फोड़ा, धमाके में वैन क्षतिग्रस्त। भारत पाक बॉर्डर के नजदीक मिले हेरोइन के 5 पैकेट, जांच में जुटी NCB। तो ये थी सुर्खियां देश और दुनिया की। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की सुर्खियों की ओर। जोशीमठ प्रभावितों से मिले राज्य मंत्री अजय भट्ट, छलके लोगों के आंसू, बोले आखिर हमें किस गुनाह की सजा मिल रही। महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मिली राज्यपाल की मंजूरी। उत्तराखंड में मिला नए वेरिएंट का पहला मरीज, देहरादून के युवक में हुई पुष्टि। CDS बनने के बाद पहली बार देवभूमि आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल चौहान, वॉर मेमोरियल के उद्घाटन में होंगे शामिल। उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव, महिम वर्मा गुट का दबदबा, अध्यक्ष पद पर ज्योत सिंह गुनसोला ने मारी बाजी। तो ये थी आज की सुर्खियां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप। जय हिंद।